हेलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप देख रहे हैं सुमी के साथ शॉप ट्रैवल एंड कुक विद सुमी, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको 3-in-1 एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मेरी मेहंदी अगर आप देख रहे हो तो मैंने टीच की मेहंदी लगाई है, बहुत ही झटपट मेहंदी लगाई थी क्योंकि मुझे आज कॉलेज भी जाना था तो इतना टाइम नहीं मिला। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको जल्दी से बता दूँ कि आज मेरे पास मीशो से आए हुए बाकी जो चीज़ें थी जो मैंने आपको पार्ट वन में बोला था, मैंने 4 या 5 कुर्ती ऑर्डर की थी और एक होम डेकोर का आइटम ऑर्डर किया था, बट मुझे फ़िलहाल सिर्फ 3 ही रिसीव हुए थे। बट आज बाकी के दो कुर्ती और मुझे एक कुर्ता प्लाजो का सेट है और एक उसमें कुर्ती है और एक होम डेकोर का सामान है, वो भी जो रिमेनिंग थे वो भी मुझे डिलीवर हो गए हैं। पार्ट 2 है ये, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मीशो के बारे में नहीं पता है तो मीशो इज़ इंडियाज़ नंबर 1 रीसेलिंग ऐप एट प्रेजेंट, द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप, जहाँ पे आपको 50 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैटेगरीज आपको सारी मिलेंगी। किस तरीके से आप मीशो पे बाई कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, उसका वीडियो मैं आगे कहीं प्ले कर दूँगी, तो स्किप मत कीजिए वीडियो, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि आप मीशो पे शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप गाने के शौकीन हैं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं, मेरा एक दूसरा चैनल है सोलफुल सिंगर नाम से, उसका भी लिंक मैं कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। मेरा इंस्टा का पेज यहाँ शो हो रहा होगा जहाँ पे आप मेरे को ढूंढ सकते हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स मुझे भेज सकते हैं जिसका आपको रिव्यू देखना है, तो आपके लिए मैं श्योरली लेकर आऊँगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द होम डेकोर आइटम। होम डेकोर का तो नहीं है ये, मैंने डेकोर इन द सेंस ये मुझे बहुत अच्छा लगा था देखकर, ये मैंने अपनी सिस्टर के घर पे देखा था तो मैंने सोचा मैं भी इसे कहीं ना कहीं प्लेस करूँ। आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं इसे कहाँ लगाऊँ। सो दिस इज़ अ लाइट बॉल शेप का, आई थिंक मुझे 270 रुपीज़ का कुछ पड़ा था और एक बॉल मेरे हाथ से निकल गया है इसमें। सो ये कुछ इस तरीके से है, आई डोंट नो व्हाई, एक मिनट, तो ये कुछ इस तरीके से है पूरा। आई थिंक ये जब जलेगा ना ये बहुत ही प्रिटी लगता है। इसका ट्राई ऑन मैं आपको यहाँ कहीं लगा दूँगी। आप जैसे मेरा आइडिया ये है कि मेरे हॉल में ना ड्राइंग रूम में वहाँ पे मेरे रफ़ल कर्टन्स है, तो माय आइडिया इज़ मैं इसको वहाँ फिक्स करूँ, लेकिन आपके पास अगर उससे भी कोई अच्छा आइडिया है तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइट, आई डोंट नो ये सारे गिर क्यों रहे हैं, आई थिंक मैं ज़्यादा ही खींच रही हूँ उनको इसलिए गिर रहे हैं ये। तो दिस इज़ द लाइट, मैं आपको इसको जला के दिखाती हूँ। सो जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस, बहुत ही सुंदर लगने वाला है जब आप इसको लगाओगे ना, सच मानिए बहुत ही प्रिटी लगने वाला है ये। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, तो ये है सबसे पहला होम डेकोर का आइटम। एक ही आइटम है होम डेकोर का मेरे पास आज आपको दिखाने के लिए। सो ये था वो आइटम और आप इसको श्योरली ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसे डेकोरेशंस के आइडिया है ना, तो इस तरीके के लाइट्स वैसे भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है कुर्ता प्लाजो का सेट, ये भी बहुत ही सुंदर आया है। मैंने एक बार इसे देखा था खोल के, लाइक मैंने पूरा नहीं खोला, जस्ट इसको ऐसे रैपर से बाहर निकाल के देखा था। एंड वेरी बिग थम्स अप टू दिस, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, बहुत ही प्रिटी है। आई थिंक मुझे ये ना याद नहीं है 550 या 60 रुपीज़ का पड़ा है, बट इज़न्ट इट वेरी ब्यूटीफुल। इसमें मैं और भी कलर्स देख रही थी बट जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो इसमें और कलर्स अवेलेबल नहीं थे, मतलब आउट ऑफ स्टॉक थे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, एक एक करके देखते हैं, कुर्ता से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये कुर्ता है, इसमें छोटे छोटे ना इस तरीके से जरकन लगाए हुए हैं जो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। सॉरी, रेड वाइट गोल्डन फॉयल प्रिंट से इसका नेक डिज़ाइन किया हुआ है। जस्ट हैव अ लुक ऑन द डिज़ाइन, बहुत ही फाइन
डिज़ाइन किया गया है, और इस ये जो जरकन लगाया गया है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ये आई थिंक इसकी शोभा और बढ़ा रही है। सो आगे में टिल नेक लाइन आपको ये पैटर्न मिलेगा, उसके बाद ये जो प्रिंट है आपका, ये वाला जो प्रिंट है फॉयल वाला, ये पूरे ही कुर्ते में आपको थ्रू आउट द कुर्ता मिलेगा। इज़ इट सो ब्यूटिफुल, अगेन इट इज़ इन ब्लैक, माई वन ऑफ माई फेवरेट कलर। और आगे आप जाओगे हाथ में, तो हाथ 3/4 है। यूजुअली मैं हमेशा 3/4 ही पहनती हूँ। ये आप सोच रहे होंगे ये बोल रही है 3/4 और हाफ पहन रखा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी भी मैंने खाना बनाया था तो इसीलिए मैंने ये पहना है। एनी अदर वेज मैं बाहर सबसे ज़्यादा 3/4 ही प्रेफर करती हूँ पहनना, एक तो दिल्ली की गर्मी, ऊपर से फिर हाफ पहनोगे तो फिर तो टैनिंग का कोई, आप दूर दूर तक बस टैन ही नज़र आओगे। सो ये है हैंड जो आगे से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पीछे की ओर आप देखोगे तो पीछे में भी प्लेन नहीं है, पीछे में भी इस तरीके से छोटे छोटे फॉयल प्रिंट्स किए गए हैं फ्लावर पैटर्न में। बहुत ही प्रिटी लग रहा है देखने में। इसका ट्राई ऑन मैं यहाँ साइड में कहीं लगा दूंगी या वीडियो में आगे कहीं लगा दूंगी ताकि आपको पता चले। मेरा तो दिल आ गया है स्पेस में, और भी जो भी कलर्स होंगे ना वो भी लूँगी मैं। बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिरर्स भी लगाए गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें जिसने भी बनाया है पूरा सब लगा दिया है इसमें। सो दिस वॉज द कुर्ता। ये है इसका प्लाजो, इलास्टिक है प्लाजो में, पॉकेट्स आई थिंक नहीं है इसमें, पॉकेट्स नहीं है। प्रिंट इस तरीके से आया हुआ है इसका, ब्लैक में ऐसे छोटे छोटे फॉयल प्रिंट्स जो कुर्ते के पीछे था वो, और एंड में जाकर जिस जो डिज़ाइन आपके हाथ में बना हुआ था हाथ के एंड में, वही डिज़ाइन यहाँ पे भी बना हुआ है। तो फ्लेयर इज़ आल्सो गुड 550 रुपीज़ में, और वेरी वेरी बिग थम्स अप। पूरा कॉटन का क्लॉथ है, बिल्कुल भी गर्मी आपको नहीं लगने वाली है। सो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको मैं किसी वीडियो में पहनती हुई भी नज़र आऊँगी ये। सो ये था एक कुर्ता प्लाजो का सेट। उसके बाद एक्चुअली गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग होता है वो है लखनवी चिकनकारी कुर्ता, तो इस कलर का मेरे पास था नहीं, तो मैंने इस कलर का मंगवाया है इसे। ये बस कुर्ता ही आया है, लखनवी चिकनकारी कुर्ता। जस्ट कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका, एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी, कॉटन का है ये पूरे ही कुर्ते में, इस तरीके का अब एम्ब्रॉयडरी आया हुआ है पूरा ही कुर्ते में, इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी है। साइड में ऐसा स्लिट जहाँ है वहाँ पे ये वाइट स्ट्राइप्स लगे हुए हैं। हैंड पे आप देखोगे तो हैंड में भी छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी फ्लावर पैटर्न्स बनाए गए हैं, और एंड में इस तरीके का स्लिट, जो स्लिट में लगा हुआ था वाइट पाइपिंग वो दी गई है इसमें। पीछे आप देखोगे तो पीछे पूरा प्लेन नहीं है, एक छोटा सा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाया गया है, और इसमें तो बहुत सारे कलर्स थे, सो यू कैन गो विद द कलर्स आल्सो। मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहा था तो इसलिए मैंने फिर यही वाला कलर लिया अपने लिए। सो ये था मेरा सेकेंड कुर्ता। इफ़ एट ऑल आपने पहला वाला पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ कहीं पर ऐड कर दूँगी, या यहाँ पर आई बटन में लगा दूँगी ताकि आप बहुत ईजिली देख पाएँ। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते के सेट हैं। सो यू कैन श्योरली गो विद ऑल द 3 आइटम्स जो भी मैंने मंगवाए हैं। ये लाइट्स भी बहुत अच्छी है, इसको मैं अच्छी तरीके से लगा कर कहीं आगे वीडियो प्लेस कर दूंगी। दोनों ये कुर्ता प्लाजो जो है सेट, इसका भी ट्राई ऑन लगा दूंगी मैं आगे, और जो ये कुर्ती है इसका भी ट्राई ऑन लगा दूंगी। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगेगा। तो मेरी मानिए तो तीनों ही आइटम बहुत ही अच्छे हैं। वेरी बिग थम्स अप फॉर ऑल द 3 आइटम्स, एंड मीशो थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो कहीं कहीं पर कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, अभी एक दो वीडियोस पे पीछे मैंने कंप्लेन किया था, बट वो भी रिजॉल्व हो गया है। सो यू कैन ऑलवेज गो विद मीशो। सो कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू। शॉपिंग कैसे करेंगे, ये है मीशो। एक मिनट मैं आपको पहले से दिखा दूँ, ये है मेरा मीशो। मीशो मैंने ऐसे खोल लिया तो ये मेरा पेज खुल गया, यहाँ ऊपर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी इसमें, सब कुछ ही मिलता है। सारी कुर्ती नॉट ओनली सिर्फ फीमेल्स का या सिर्फ वुमेंस का, सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मेंस का, किड्स का, होम, किचन, ब्यूटी, सारी ही चीज़ें मिल जाती है इसमें।
50,000 प्लस प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं इसमें। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें शॉपिंग कैसे कर सकते हो मीशो में। जैसे आप बाकी साइट्स में शॉपिंग करते हो वैसे ही इसमें भी शॉपिंग होता है आपका। से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ये खोला तो आपको ये सारी चीज़ें बायलिटरल वे में दिखेंगी, और जैसे आपको ये पसंद आया तो आपने इसको ऐड टू कार्ट किया और ये आपके कार्ट में सीधा ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद डिलीवर टू दिस एड्रेस करके जो भी पेमेंट मेथड आपको यूज़ करना है, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन या पेटीएम, कुछ भी जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो आगे। लेकिन आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर एक ही प्रोडक्ट सेम सेलर से आपको ऑर्डर करने हैं बहुत सारे, तो आप इनका क्वांटिटी रेस कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको जितना करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये साड़ी ऐड कर ली और उसके बाद अगर आप फिर ये झूला जैसा ऐड करना चाह रहे हो आप, तो ये आपके कार्ट में ऐड नहीं होगा। अब जैसे ही कार्ट में ऐड करने जाओगे, बिकॉज़ दोनों अलग अलग सेलर्स के हैं, दोनों अलग अलग जगहों से वो होंगे शिफ्ट होंगे, तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाओगे। वो अलग से साड़ी जो थी वो अलग सेलर की साड़ी सेलर की थी, और ये जो झूला ये किसी और सेलर का है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा योर कार्ट कंटेंट्स ऑलरेडी वन आइटम। अगर आपको उस आइटम को नहीं रखना है तो ही आप, अगर आप उस आइटम को खरीद हटाओगे रिमूव करोगे तो ही आप इस आइटम को ऐड कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैंने अपना माइंड बदल लिया और फिर मुझे वो ही चाहिए साड़ी ही चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगी, और अगर मुझे साड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको यस करके फिर दोबारा से इसे ऐड कर दूंगी अपने कार्ट में। बट यही झूला अगर मुझे से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको कार्ट दिखाती हूँ, यही झूला अगर मेरे को और भी चाहिए तो मैं क्वांटिटी इनकी बढ़ा सकती हूँ। सेम से अगर मैं आपको बार बार बता देती हूँ, सेम सेलर से आप सेम आइटम खरीद सकते हो, जितना आपको परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो, लेकिन टू डिफरेंट सेलर से आप वन टाइम में परचेस नहीं कर सकते। अगर टू डिफरेंट सेलर से टू डिफरेंट आइटम आपको परचेस करने हैं तो एक एक करके आपको ख़रीदना पड़ेगा। और मीशो में जो भी रिफ़ंड पॉलिसीज़ है वो बहुत ही अच्छी है।